बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी, भुने हुए चनों की चाट, जो हम बनाएंगे कड़ी पत्ते के साथ और ज़ीरे के साथ। तो यहाँ हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आप लोग नोट कर लें। मैंने चने लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। 1 कप चने हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। यहाँ मैंने हरा धनिया पुदीना मिक्स लिया है। कड़ी पत्ते की 2 मैंने डंडियाँ ली हैं। टमाटर, हरी मिर्च और प्याज लिए हैं हसबे ज़रूरत। चाट मसाला है 1 टीस्पून, कुटी और पिसी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़ायका है, हल्दी 1/2 टीस्पून है। उबले हुए आलू लिए हैं 2 अदद। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, फुल भर के मोटा मोटा कूट लिया है, ज़ीरा इसमें ज़्यादा जाएगा। और इमली का पल्प लिया है। तो यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है कढ़ाई में। प्याज को हम कच्चा पक्का फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें हम कड़ी पत्ते भी डाल देंगे, क्योंकि कड़ी पत्तों को भी हमें साथ भुनना है तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब ये ज़ीरा डाल देंगे जो हमने मोटा मोटा कूट के रखा है। अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, साथ ही टमाटर भी डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डालेंगे। और इस मसाले को अच्छी तरह से हमें पकाना है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट करने हैं। तो ये हम मसाले भी डाल देंगे जो हमारे पास सूखे मसाले रखे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे। जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम डालेंगे इमली। तो यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, अब इसके अंदर हम डाल देंगे इमली और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी कड़ी पत्ते की खुशबू आती है। तो मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो गया है। इसके अंदर हम चने डालेंगे, साथ ही आलू भी डाल देंगे जो हमने बॉईल करके क्यूब्स में काट के रखे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत जल्दी और झटपट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारे जो हैं मज़ेदार भुने हुए चने तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर से हमारा धनिया और पुदीना डाल देंगे थोड़ा सा, इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये रेडी हो गए हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल रेसिपी भुने हुए चने। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कैसे बने। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर फुल वॉच किया करें और इसका लिंक फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।